हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज टूर। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन लेके आई हूँ। तो लेट्स बी स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। हम अपने डेली लाइफ में काफ़ी चीज़ें ऐसी देखते हैं जिनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है। जैसे कि फर्स्ट इसमें बोल रहा है कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जब हम गर्मी के दिनों में मिल्क को रूम टेम्परेचर में रखते हैं। एंड आयरन तवा पैन नील इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जब हम नमी वाले एटमॉस्फेयर में तवा पैन और कील को नील को जब हम छोड़ देते हैं। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जो अंगूर होते हैं क्या होते हैं, फर्मेंटेड हो जाते हैं। फूड इज़ कुक्ड, जब फूड हम पकाते हैं। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन बॉडी, फूड का हमारी बॉडी में पचना। वी रिस्पायर, जब हम सांस ले रहे हैं। तो इन सारे सिचुएशन से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हुआ है, इन सब्सटेंसेस में कुछ ना कुछ क्या हुआ है, चेंज हुआ है। मतलब कि ये सारे जो चेंज होते हैं इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है, ये इंक्लूड होता है। एंड केमिकल चेंज अकर्स व्हेन वी कैन से केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस। जब केमिकल चेंज होता है तो हम क्या कहते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। एंड ऐसे ही हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट से हमें क्या पता चलता है कि इस एक्टिविटी को हमें काफ़ी केयरफुली करना है। एंड कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक बर्नर लेना है और एक बर्नर के साथ क्या है, यहाँ पे टोंग लेना है। टोंग मतलब कि चिमटा, पकड़ने के लिए चिमटा होता है ना, जैसे रोटी बनाने के लिए चिमटा लेते हैं, वो चिमटा लेंगे। एंड इस चिमटे से हम क्या पकड़ेंगे, मैग्नीशियम रिबन जो होता है हमारे पास, मैग्नीशियम रिबन लेंगे और क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे बर्नर से। जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे देखो, वॉच ग्लासेस, एक वॉच ग्लासेस लेते हैं। जब हम हीट करते तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कब मिला, जब हमें हमने रिएक्शन मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंट में बर्न किया है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा ये क्या होगा, ये कुछ पाउडर के फॉर्म में मिलता है हमें। ये क्या होगा, हमें एक पाउडर के फॉर्म में मिलेगा। मतलब कि ये टोटल ही हमें बता रहा है कि जब हम किसी भी चीज़ को जब एयर के प्रेजेंट में बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, उसका ऑक्साइड ही मिलता है। तो हमने मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम रिबन को जब हमने क्या क्या हीट किया तो हमें क्या मिला, एयर के प्रेजेंट में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। एंड हम सेम यहाँ पे अब क्या करेंगे, सेकंड एक एक्टिविटी गिवन है, सेकंड एक्टिविटी को भी हम देखते हैं। ओके, जब हम सेकंड एक्टिविटी देखते हैं तो इसमें भी क्या कह रहा है कि हमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेक टेस्ट ट्यूब। हमने क्या किया है कि एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है। एंड उसमें हमने क्या ऐड किया है, पोटाशियम और आयोडाइड सॉल्यूशन को इसमें हमने ऐड किया है, ठीक है। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने यहाँ पे देखो एक जो कॉर्क है, कॉर्क के बीच में यहाँ पे देखो एक ग्लास ट्यूब लगा हुआ है और ये हमने क्या ले रखा है, एक कॉनिकल फ्लास्क ले रखा है। और इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हमने जब मतलब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को जब इसमें ऐड किया तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैनुअल्स मिल रहे हैं। जिंक ग्रैनुअल्स का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे जिंक के दाने मिलेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ऑल ओवर जब हमने ये रिएक्शन किया तो हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस रिलीज मिली, ठीक है।
ऐसे ही सेम हम थर्ड एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पे हमने जो पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन का, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम क्या करते हैं, एयर के प्रेजेंट में बर्न करते हैं और डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर। डेजलिंग वाइट फ्लेम मतलब कि हमें एक क्या होता है, मतलब चमकीला सा बहुत ज़्यादा चमकता हुआ एक फ्लेम में जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमें वाइट पाउडर मिलेगा, और इस वाइट पाउडर को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। देन आगे देखो, जो ये पाउडर है, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दिस रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। और ये जो रिएक्शन हुआ है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हुआ है, जो कि क्या होता है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी को देखेंगे। थर्ड एक्टिविटी हमारी क्या है कि हमें कुछ जिंक ग्रेनुअल्स लेना है और उसे क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क में रखना है या टेस्ट ट्यूब में रखना है, और उसमें हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। और ये काम जो हमें करना है काफ़ी सावधानी के साथ करना है, क्योंकि हम जब एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, कोई भी टेस्ट करते हैं, तो हमें काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है। देन डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स, तो आपने क्या नोटिस किया कि इसमें जिंक ग्रेनुअल्स मतलब जो जिंक के दाने थे उनके साथ क्या होता है। एंड टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, और कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब को टच करते, एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, क्या हमें उसके टेम्परेचर में कोई चेंज मिलेगा। सेम अब देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे तीन एक्टिविटीज रीड की है और हमने क्या देखा कि इन तीनों एक्टिविटी में कुछ ना कुछ हमें केमिकल रिएक्शन क्या हुआ है देखने को मिला है। इन तीनों एक्टिविटीज़ ने क्या किया है, केमिकल रिएक्शन मतलब कुछ ना कुछ टेक प्लेस किया है, जैसे कि उनके हमें चेंज इन स्टेट, उनके स्टेट में चेंज मिला, चेंज इन कलर, इवेल्युएशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि चेंज अराउंड अस, उनके चारों तरफ कुछ ना कुछ हमें चेंज मिला है। वी कैन सी डैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या होता है, काफ़ी तरीके के क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। और हम क्या करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, और भी काफ़ी केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और उनके सिंबल के रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है, इसका मैं सेकेंड पार्ट बनाऊँगी, तो आप इस पार्ट को कम्प्लीटली देखने के बाद सेकेंड पार्ट का इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।